हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाक पीसी की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे गेम प्ले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकेंड T20I। और पहले T20I में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दी थी शिकस्त और लिया था बदला ODI का इन क्रिकेट 07। क्या सेकेंड T20 में इंग्लैंड कम बैक कर पाएगा या पाकिस्तान इस बार T20 सीरीज बासन जीत जाएगा? तो यहाँ पर इंग्लैंड ने पहले टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया है और ये एक स्ट्रेंज सा फैसला है। ग्रीन पिच है, बॉलर्स के लिए काफ़ी मदद मिल सकती है यहाँ पर। और इस गेम के लिए मैंने जो पैच का यूज़ किया है वो है HD Studio इंटरनेशनल क्रिकेट 20। अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप HD Studio की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर फेसबुक पेज पर रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग मुझे कह रहे थे कि फर्स्ट T20 में कि ये पैच मैं उन्हें दे दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये किसी और की प्रॉपर्टी है, मैं किसी की प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से लीक नहीं कर सकता। आप अगर ऑफिशियली इस पैच को खेलना चाहते हैं तो आप HD Studio के पेजेस पर ज़रूर जाइए। फेसबुक पर बासानी आपको मिल जाएगा HD Studio का ये पैच, और आप उनसे रब्ता करके ये पैच जो है वो ले सकते हैं। परचेज़ कीजिए, फ्री में लीजिए, वो जैसी मर्ज़ी आपको दें। बट मुझसे मत मांगिएगा पैच यार, क्योंकि मैं जो है वो इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आप मैं सिर्फ ये गेम प्लेज आपकी इंजॉयमेंट के लिए क्रिएट करता हूँ, और क्योंकि मुझे शौक़ है क्रिकेट का, वैसे ही मैं पैचेस की वीडियो बनाता हूँ। बहुत अच्छा शॉट, इसी दौरान एक अच्छा शॉट और 6 रन के लिए गेम दिया बाउंड्री लाइन के बाहर मोहम्मद आमिर को लगा पहला छक्का। तो मुझे सिर्फ शौक है क्रिकेट 07 के पैचेस का और गेम प्लेज बनाने का, ऐसे बनाता हूँ। अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इस तरह की चीज़ें करूँ। और इसी दौरान एक और छक्का, बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं जेसन रॉय। पहले ही ओवर में 2 छक्के लगा चुके हैं और पता चल रहा है कि क्यों उन्होंने बैटिंग सेलेक्ट की है। अच्छा गेंद इस बार लेफ्ट किया जेसन रॉय ने, मोहम्मद आमिर का अच्छा फिनिश, अच्छा आगाज तो नहीं था बट अच्छा फिनिश कह सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हैं पैचेज में, यानी कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं इस तरह की बातें वीडियोज़ में कहूँ। लेकिन अब चूँकि मैंने जिक्र छेड़ ही दिया, नहीं तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि यार मुझे पैच चाहिए, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास पैचेस नहीं है। तो पैचेस जिनकी प्रॉपर्टी है वो खुद ओन करते हैं। अच्छा शॉट 4 रन, और आप गूगल पे या फेसबुक पे बआसानी पैचेस को डाउनलोड करने का तरीका देख सकते हैं, नहीं तो मेरी वीडियोज़ में देख सकते हैं जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, जिस तरह से मैं गाइड करता हूँ, आप उस तरह से आप पैचेज जो है वो खेल सकते हैं। और HD Studio का इंटरनेशनल क्रिकेट 2020 पैच आई थिंक मैंने शायद बनाया हुआ है, नहीं बनाया आई डोंट नो, लेकिन बहुत से ऐसे पैचेस हैं जो कि आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्री वाले पैचेस ज़रूर ट्राई करें, और जैसे जैसे कोई नया फ्री पैच आता रहता है मैं आपके लिए ले आता हूँ। अच्छा शॉट यहाँ पर मिस किया, शाहीन जाफरी भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं। और अब दोबारा आ जाएं हम लोग मैच पर, क्योंकि वो बातें तो चलती ही रहेंगी। और इस बार लेग साइड पर गेंद, एक बार और 6 रन, 22 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। इंग्लैंड की जानब से असॉल्ट जो है वो जारी है। जॉनी बेस्टो 10 रन, जेसन रॉय 12 रन, दोनों ही बैट्समैन लेग साइड में काफ़ी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं। इस बार एज किया और गेंद गया सीधा रिजवान के हाथों में, जिसे कहते हैं ना कि स्वर्ल कर रहा था ये गेंद, काफ़ी मूव हुआ बैट को टच करने के बाद, काफ़ी अच्छा एज लगा था। शाहीन अफरीदी का पहला शिकार बने जॉनी बेस्टो, अच्छा विकेट मिला पाकिस्तान को 2 ओवर के बाद 22 रन और 1 खिलाड़ी आउट का। और अब आएंगे कौन, आएंगे अब आएंगे जी मोहम्मद हफीज, क्योंकि पाकिस्तान के पास शायद इतनी बॉलिंग बची नहीं है कि वो एक्सपोज कर सकें अभी से। तो कुछ यहाँ पर बॉलर्स आपको बचाने पड़ेंगे इन दी एंड, अब देखेंगे कि उनके पास कितने बॉलर्स रह गए हैं, अदरवाइज मुश्किल हो सकती है या पर बड़ा स्कोर भी पड़ सकता है। शादाब खान है या नहीं, बट इफ्तिखार अहमद हैं और शुएब मलिक हैं जो भी ओवर करा सकते हैं। ये 3रा ओवर है, ओइन मॉर्गन का अच्छा डिफेंस, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट। मतलब क्रिकेट 07 में आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर जब गेंद रुका तो वह आसानी रन आउट किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि वो एनिमेशन में ही नहीं है तो ऐसा रन आउट नहीं होता। वरना आप सोचें कि इस तरह से कितने रन आउट हो चुके होते अब तक, करोड़ों की तादाद में। मतलब ये इतनी सालों से ये गेम चल रहा है और पैचेस की वजह से ये गेम दोबारा ज़िंदा है। अगर पैचेस निकाल लिए जाए क्रिकेट 07 में तो शायद 1 साल के बाद कोई इस गेम को हाथ तक नहीं लगाता। और एक और अच्छा शॉट मोहम्मद हफीज़ को पड़ा,
पहला छक्का का रन चल रहा है, 3 गेंद अभी बाकी हैं और एक और इसी दौरान एक अच्छा गेंद यहाँ पर मोहम्मद हफीज का बीट कराया बैट्समैन को। और मॉर्गन 6 रन के साथ पेस में मौजूद है, जेसन हुआ के 13 रन हो चुके हैं, 2 गेंद अभी भी बाकी हैं और इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है। एक और छक्का या सिक्स कुछ भी कह लीजिए, बट मैक्सिमम रिजल्ट जब आपको मिलेगा तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और अब 12 रन का रन रेट मेंटेन किया हुआ है इंग्लैंड ने, 36 रन इस बार काफ़ी शॉर्ट कराया गेंद जिसका भरपूर फायदा नहीं हुआ बैट्समैन को। 3 ओवर के बाद 36 रन पर एक खिलाड़ी आउट। और अगर बॉलर्स की हम बात करें तो शादाब खान और इमाद वसीम हैं जो कि रेगुलर बॉलर्स हैं, अदरवाइज जेन्युइन फास्ट बॉलर्स ख़त्म हो चुके हैं और पेस बॉलर्स बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थिंक शादाब और इमाद ही आखिरी ओवर्स करेंगे आई थिंक। और अच्छा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, पहली ही गेंद पर बआसानी गेंद या बाउंड्री लाइन के पार। तो यहाँ पर एक अच्छा आवाज़, एक और अच्छा ऊँचा शॉट, लेकिन इस बार गेंद उतना कैरी नहीं किया, यानी कि गेंद में इतनी फ्लाइट या फिर हाइट या फिर ट्रैवलिंग नहीं की गेंद में। तो इमाद वसीम का पहला विकेट, 42 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। जेसन रॉय डेंजरस बैट्समैन अपनी राह पवेलियन की तरफ दोबारा लौट आते हुए, इस बार थोड़ा सा बआसानी से कैच किया फील्डर ने, थोड़ा सा अगर ये बॉल ट्रैवल करा होता तो मुश्किल हो जाता। 42 रन पर 2 खिलाड़ी आउट और बोल्ड कर दिया, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हैं इमाद वसीम की। और जो डेनली जो है वो पहली गेंद पर चल दिए, काफ़ी अच्छा कम बैक यहाँ पर पाकिस्तान की जानब से। 42 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस बार लेफ्ट हैंडेड स्पिन हुआ गेम मोइन अली नए बल्लेबाज, देखना है कि क्या मोइन अली कुछ कर पाते हैं। हैट्रिक बॉल है ये इमाद वसीम का और हैट्रिक बॉल को पहुँचाया तमाशाइयों के बीच 6 रन के लिए, 48 रन। और इमाद वसीम अब काफ़ी आई थिंक सोच रहे होंगे कि मोइन अली को किस तरह गेम की जाए। इस बार फ्लाइटेड गेम था ये जिसे बखूबी अंदाज से डिफेंड करने में कामयाब रहे मोइन अली, 48 रन पर 3 खिलाड़ी आउट। 12.52 रन यानी कि 12 रन का जो रन रेट है वो मेंटेन है और इसे थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश की मोइन अली ने, एक छक्का लगा के 54 रन पर 3 खिलाड़ी आउट। आखिरी ओवर रहता है जो के करेंगे शादाब खान लेग स्पिनर ने बाबर आजम में कुछ समझाते हुए कुछ टिप्स देते हुए, क्योंकि स्कोर काफ़ी बढ़ चुका है इंग्लैंड का, ये बात माननी पड़ेगी। और रन रेट भी बढ़ता हुआ, पहले 12 था अब 13 हो चुका है और अब गिर जाएगा रन रेट वन मॉर्गन के इस विकेट के बाद। स्लाइडर गेंद था ये, फ्लाइटेड समझ के ऐसे लॉफ्टेड शॉट मारना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे। और शादाब खान ने एक और कामयाबी समेटी, पहले T20 में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी और 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी, इस बार पहले खिलाड़ी को दिखा चुके हैं बेन स्टोक्स नए बैट्समैन, देखने कहने भी ये पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब रहेंगे या नहीं। बेन स्टोक्स ने लगा दिया छक्का पहली ही गेंद पर, वो पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर छक्का, एक और अच्छा कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिल रहा है इंग्लैंड और पाकिस्तान की जानब से। सेकेंड T20 में काफ़ी छक्के चौकों की बारिश हो सकती है यहाँ पर और हो भी रही है बेन स्टोक्स का लगातार दूसरा छक्का। जानते हैं कि आखिरी ओवर है और शादाब खान काफ़ी अच्छी फॉर्म भी है तो उन्हें इस तरह के शॉट्स खेलना, यानी कि आप बॉलर के ऊपर हावी हो गए हैं और देखना है कि शादाब खान का रिस्पॉन्ड यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड और पूरा स्टम्प को फाड़ दिया बेन स्टोक्स का, एक और बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे। तो दूसरी विकेट शादाब खान की और 12 रन बनाकर बेन स्टोक्स चल पड़े। और सैम करन अब करेंगे इनिंग्स का आगाज़, अपनी इनिंग्स का आगाज़ इन द एयर और एक और विकेट, तीसरा विकेट शादाब खान का लगातार तो नहीं कहेंगे लेकिन हैट्रिक चांस है। और अगर सीरीज़ की बात की जाए तो 7 विकेटें जो है वो शादाब खान ले चुके हैं इस T20 सीरीज़ में, देखना है कि हैट्रिक बॉल पर क्या कर पाते हैं। हैट्रिक बॉल का सामना करेंगे जॉस बटलर जो कि पिछले T20 में इतनी अच्छी गेंदबाज सॉरी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, आखिरी गेंद है और
आखिरी गेंद पर ऊंचा खेल दिया है और ये विकेट लेने में हुए कामयाब। तो इसी के साथ हैट्रिक मुकम्मल हुई और 66 रन पर 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर इंग्लैंड का एक अच्छा स्कोर है। पाकिस्तान को थोड़ी सी डिफिकल्टीज ज़रूर आएंगी और मज़ीद भी आ सकती है अगर इंग्लैंड जो है वो अर्ली यानी कि पहले कुछ एक आध ओवर में 2 या 3 विकेट ले लें। एहसन अली और बाबर आजम T20 में ओपन करेंगे पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से, इस उम्मीद के साथ कि ये सीरीज़ डिसाइडर होगा पाकिस्तान के लिए। पहला गेंद और इसे बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाया स्कोर गेंद का, काफ़ी अर्ली खेला और गेंद गया विकेट कीपर के हाथों में। तो जोफ्रा आर्चर का पहला ब्रेक थ्रू पाकिस्तान बगैर किसी रन बनाए 1 विकेट खो चुका है एहसन अली गोल्डन डक पे वापस जाते हुए। मोहम्मद हफीज नए बैट्समैन हैं, एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन हैं और जोफ्रा आर्चर का सामना करेंगे। स्वीप शॉट खेला है आते ही और 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। तो एहसन अली काफ़ी जल्दी कर बैठे हैं, पहला ही गेंद था जिसे वो बआसानी कहीं भी खेल सकते थे लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि शायद वो गैप को बआसानी खेल पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बट बहरहाल इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं क्रिकेट में समटाइम्स, यहाँ से बैठ कर देखने में और इन द फील्ड अगर आप हो तो आपका माइंड सेट बिल्कुल चेंज होता है। इस बार डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश, मोहम्मद हाफिज भी आउट हो गए। एक और झटका पाकिस्तान को 2 रन पर 2 खिलाड़ी आउट। मोहम्मद हफीज भी आई थिंक सेम शॉट तो नहीं बट सेम इंटेंट जरूर दिया एहसन अली की तरह, इस बार डाउन द ग्राउंड खेलना चाह रहे थे लेकिन एक बार फिर गेंद एज निकला और विकेट कीपर के हाथों में। शोएब मलिक अब बल्लेबाजी करेंगे। 2 रन पर 2 खिलाड़ी आउट पाकिस्तान। पहले ही ओवर में 4 गेंदें हो चुकी हैं, डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश और मोहम्मद हफीज़ को बताते हुए कि इस तरह भी शॉट्स खेले जा सकते हैं कदमों का इस्तेमाल किए बगैर। और कदमों का इस्तेमाल किए बगैर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, शोएब मलिक भी हो गए हैं आउट। एक और एज यानी कि बॉल जो है वो पाकिस्तान की बारी में काफ़ी स्विंग हो रहा है और एज भी निकल रहे हैं। 2 रन पर 3 खिलाड़ी आउट। एक ओवर के नुकसान के बाद तो पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं खेल रहा, 2 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं एक ओवर के बाद। स्क्वायर लेग पर खेला है 2 रन के लिए बाबर आजम ने। देखना है कि अब पाकिस्तान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि इंग्लैंड ने पहले तो काफ़ी अच्छे रन बनाए और अब बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी करते हुए। इस बार 2 रन मिलेंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी करना बहुत ज़रूरी है जिससे प्रेशर बनता है बॉलर के ऊपर और वो कहीं ना कहीं आपको लूज बॉल ज़रूर देगा ताकि आप उस पर कैपिटलाइज करें और बाउंड्री हासिल कर सकें। इस बार स्वीप खेला है, अच्छा शॉट है, क्या बाउंड्री तक जा पाएगा? नहीं जा पाया लेकिन 3 रन के लिए दौड़े हैं। जल्दी करनी होगी और आई थिंक जल्दी ही क्या है। 9 रन पर 3 खिलाड़ी आउट पाकिस्तान के। और इस ओवर में काफी रन छोड़ चुका है पाकिस्तान इस ओवर में अब तक 11 रन पर 3 खिलाड़ी आउट। इफ्तिखार अहमद 2 रन जब बाबर आजम 7 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है और इफ्तिखार अहमद ने कोशिश जरूर की थी लेकिन इस बार एज निकला लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर कि इस बार कीपर की तरफ नहीं गया ये एज। 2 ओवर के बाद 12 रन पर 3 खिलाड़ी आउट। मैट पार्किंसन लेग स्पिनर हैं, देखने के लेग स्पिन का जादू जगा पाते हैं या नहीं। और पहली गेंद पर लगा दिया छक्का स्क्वायर लेग की जानिब, अभी छक्का लगाया है इफ्तिखार अहमद ने, पहला अच्छा स्ट्रोक पाकिस्तान की जानिब से। और दूसरी गेंद पर एज और बोल्ड दोनों एक साथ हो गए हैं,
इफ्तिखार अहमद काफ़ी अच्छी हिटिंग करने के लिए बेताब थे, लेकिन मैक पार्किंसन के शिकार हुए 18 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान की अब खासी मुश्किल का शिकार है पाकिस्तान की टीम। इमाद वसीम नए आने वाले बल्लेबाज हैं, 67 रन का टारगेट है पाकिस्तान के लिए, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। इस बार एक और एज निकला और 2 रन लेने में कामयाब हुए। इमाद वसीम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो नए बल्लेबाज के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा ये, क्योंकि पहले तो उन्हें सेट होने का मौका ही नहीं है। यानी कि अब आप सेट नहीं हो सकते, अब आपने सिर्फ हिटिंग करनी है सिर्फ ऐसे। इस बार हिलने की बिल्कुल ज़रूरत पेश नहीं आई इमाद वसीम को, जहाँ खड़े थे वहीं से बॉल को 6 रन के लिए खेल दिया। 8 रन इमाद वसीम, बाबर आजम 7 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है। और इस बार डॉट गेंद कराने में कामयाब मैट पार्किंसन, इमाद वसीम काफ़ी अच्छी पोजीशन में। और इस बार एक और छक्का, एक और अच्छा शॉट विद द स्पिन इसको खेला था इमाद वसीम ने। और 3 ओवर के बाद 2 ओवर बाकी हैं, मोइन अली 32 रन पर 4 खिलाड़ी और बाबर आजम, देखने के क्या बाबर आजम मोइन अली को ओवरकम कर पाएंगे या नहीं। बाबर आजम का पहला अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड और गेंद गया 6 रन के लिए, तो स्कोर बढ़ता हुआ पाकिस्तान का और जीत के करीब पहुंचाते हुए बाबर आजम पाकिस्तान को। एक और बड़ा शॉट और इस बार शीशा तोड़ दिया, विंडो का शीशा तोड़ दिया बाबर आजम, इतना बड़ा शॉट था ये। 44 रन पर 4 खिलाड़ी और पाकिस्तान, और ये लगाया 3रा छक्का। ये वो हिटिंग है जो हम देख चुके थे पहले T20 में रिजवान की जानिब से, लेकिन इस बार बाबर आजम खेल रहे हैं काफ़ी अच्छी इनिंग। और एक और छक्का, लगता है इसी ओवर में गेम को समाप्त कर देंगे बाबर आजम। 31 रन 7 गेंदों पर, 2 गेंद बाकी हैं दीदी इस ओवर की। और एक और बाबर आजम को रोकना यहाँ पर नामुमकिन लग रहा है। अब 67 रन का टारगेट है, छक्का मारेंगे तो ये गेम फिनिश हो जाएगा चौथे ओवर में। स्लॉग स्वीप कनेक्ट किया और बआसानी इस मैच को फिनिश किया पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने, और इस तरह से T20 सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हुए बाबर आजम। तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन हुआ, बहुत अच्छे रन बनाए बाबर आजम ने। और इसी के साथ आज का मैच यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ, और मैं मिलूँगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मैच के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, गुड बाय।